जब भी हम हैवी साड़ी पहनते हैं जिसमें वर्क ज़्यादा होता है जैसे स्टोन वगैरह का, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। पहली कि एक तो उसमें पिन नहीं लग पाती, दूसरी शोल्डर पर जब हम प्लेट्स बनाते हैं तो वहाँ पर भी प्लेट्स नहीं बनती, बार बार निकल जाती है। तो आज इन्हीं सब का सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। तो जब भी आप हैवी साड़ी पहने तो कभी भी उसे फ्लोर टच ना पहने, क्योंकि वो वेट में इतनी ज़्यादा होती है कि अपने आप ही नीचे आ जाती है। और हमेशा जो अपना पेटीकोट होता है अपने नाभि के ऊपर बांधे और तभी साड़ी को टक करें। और पेटीकोट बांधे तो टाइट बांधे, क्योंकि वर्क ज़्यादा होता है तो साड़ी पेटीकोट से बाहर निकल आती है तो पूरी साड़ी बिगड़ जाती है। हैवी साड़ी में कमर की प्लेट्स बनाने से पहले आप शोल्डर की प्लेट्स बना लें, ताकि जो कमर की प्लेट्स है वो हम इजीली बना सकें और फैब्रिक को इस तरह से अपने पेटीकोट में टक कर ले अच्छी तरीके से। पेटीकोट टाइट रहे ध्यान रखना है और हमें जिगजैग करते हुए अपने प्लेट्स को बनाना है। जो भी स्टाइल में आप हैवी साड़ी पहन रहे हैं, चाहे उल्टे पल्लू हो या सीधे पल्लू हो, आपको जो प्लेट्स है वो ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है, फर्श को टच करते हुए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैवी साड़ी होती है वो प्लेट्स और भी ज़्यादा हैवी हो जाती है तो साड़ी को नीचे ले आती है। तो थोड़ी सी प्लेट्स को आप ऊपर की तरफ रखें और साड़ी पहनने से पहले हील्स पहन लें। ना भी पहने तो चलेगा, वो अपने आप बाद में साड़ी इतनी हैवी होती है कि वो साड़ी अपने आप थोड़ी थोड़ी नीचे आ जाती है। थोड़ा सा इन प्लेट्स को फैलाते हुए आपको एक सांस अंदर लेनी है और ऊपर की तरफ एक सेफ्टी पिन लगानी है। सेफ्टी पिन लगाना बहुत ज़रूरी है हैवी साड़ी में, क्योंकि हैवी अपने आप में हैवी होती है तो वो प्लेट्स को बाहर निकाल देती है। अब दूसरी मुश्किल ये होती है कि जो प्लेट्स होती है, क्योंकि पूरी साड़ी में वर्क होता है तो प्लेट्स में सेफ्टी पिन नहीं लग पाती है, तो हमें प्लेट्स को बहुत ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि जब भी हम हैवी साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं तो वो बार बार छूट जाती है, कभी छोटी बड़ी हो जाती है और कभी उनमें सेफ्टी पिन नहीं लग पाती है। तो थोड़ा आराम से आपको इन प्लेट्स को बनाना है। आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी प्लेट्स बना के आप उन्हें पिनअप कर सकते हैं, ताकि जब हम उन्हें शोल्डर पर रखें तो वो छूटे ना और सेफ्टी पिन हम इजीली लगा पाएँ। मेरी साड़ी में बॉर्डर के बराबर मैंने प्लेट्स को बनाया है और पहले मैंने एक सेफ्टी पिन लगा ली है, ताकि जब मैं इन्हें अपने शोल्डर पर रखूँ तो ये छूटेंगी नहीं और ईजिली मैं अपने ब्लाउज से अटैच कर पाऊँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने प्लेट्स बनाई है और अपने शोल्डर से 2 से 3 इंच नीचे ब्लाउज़ को थोड़ा ऊपर की तरफ खींच के बड़ी सेफ्टी पिन यहाँ पर मैंने अटैच किया है। बड़ी सेफ्टी पिन ही लगानी चाहिए हमेशा अपने शोल्डर पर वर्क वाली साड़ियों में, और हो सके तो आप 2 सेफ्टी पिन यूज़ करें, क्योंकि वर्क की जो साड़ियाँ होती है अक्सर खुल जाती हैं, इनकी पिन ख़राब हो जाती है। तो आप 2 सेफ्टी पिन शोल्डर पर लगाएं और अपने फ्रंट में आगे शोल्डर से नीचे आप प्लेट्स को कुछ इस तरीके से इवन करते हुए जाएं। ध्यान रखें कि जो हमारी फर्स्ट बॉर्डर वाली प्लेट है वो थोड़ी बड़ी रहे और बाकी अंदर की जितनी भी प्लेट्स है वो उससे थोड़ी छोटी रहे, और फिर फर्स्ट बॉर्डर को थोड़ा बाहर की तरफ रखते हुए बाकी सभी प्लेट्स को अपने फ्रंट वाली प्लेट के नीचे ले जाना है और ब्लाउज़ के अंदर की तरफ एक सेफ्टी पिन लगानी है। इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाना बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा नेक शो नहीं होता है अगर हमारे ब्लाउज़ का गला भी डीप हो तो। और उसके बाद जो हमारे कमर वाले इस पार्ट को थोड़ा खींचना है और कमर के अंदर टक करते हुए जाना है, ताकि हमारे ब्लाउज़ के पास फिटिंग अच्छी तरह दिखाई दे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।